ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं पीपीएच के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है, पोस्ट पार्टम हेमरेज या पीपीएच, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बोर्ड की ज़्यादा जगह ले रहे हैं तो हम सीधे पीपीएच लिख देते हैं। पीपीएच के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले पीपीएच होता क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या है, चाइल्ड बर्थ के बाद जो भी ब्लीडिंग हो रही है मदर को उसको बोलेंगे हम पोस्टपार्टम हेमरेज, लेकिन वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन 500 ml, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ब्लीडिंग फॉलोड बाय चाइल्ड बर्थ, कहाँ से, फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट एंड अमाउंट इज कितना, मोर देन 500 ml, ठीक है। तो बात करते हैं जो मदर है जिसने बेबी को डिलीवर किया है, ब्लीडिंग हो रही है उसको चाइल्ड बर्थ के बाद, फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक, अमाउंट मोर देन 500 अप टू, कब तक, अप टू प्यूपेरियम पीरियड क्या होता है, 6 वीक तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। तो हम ये या तो ये बोल सकते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही, जेनाइटल ट्रैक से ब्लीडिंग हो रही है मदर को, जो कि 500 ml से ज़्यादा है, और जो कब तक हो सकती है, 6 वीक तक हो सकती है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ से लेके 6 वीक तक जो ब्लीडिंग हो रही है या हो सकती है और उसका अमाउंट 500 ml से ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्लियर हो गया इतनी बात। अब बात करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है 2 तरीके का। पहले बात कर लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग के अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या करा गया है, पीपीएच को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है, ये पहला ही है, ठीक है, पहला है कि अमाउंट के अकॉर्डिंग ब्लीडिंग को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। तो पहला है माइल्ड पीपीएच, सिंपल बता रहा हूँ, बस इतना ही ध्यान रखना है आपने, मॉडरेट पीपीएच, और तीसरा है सीवियर पीपीएच, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें देख ली हमने, माइल्ड पीपीएच, मॉडरेट पीपीएच और सीवियर पीपीएच। तो माइल्ड पीपीएच में क्या है, 500 ml से लेके 1000 ml तक अगर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको माइल्ड में रखेंगे। 1000 ml से लेके 2000 ml तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे मॉडरेट पीपीएच, अगर मोर देन 2000 ml अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे सीवियर पीपीएच, ठीक है। तो इतना इसमें ज़्यादा याद करने की नहीं है, माइल्ड का मतलब है 500 से 1000 तक, मॉडरेट का मतलब है 1000 से लेके 2000 तक, सीवियर का मतलब है 2000 ml से ज़्यादा। तो ये अमाउंट के अकॉर्डिंग है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग पीपीएच है, ठीक है। ये 3 तरीके का पीपीएच हो सकता है, माइल्ड पीपीएच, मॉडरेट पीपीएच, सीवियर पीपीएच। इसमें हम अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग देख रहे हैं, 500 से लेके 1000 तक माइल्ड वाला, 1000 से लेके 2000 तक मॉडरेट वाला, सीवियर वाला 2000 से ज़्यादा। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब दूसरा, जो दूसरे नंबर का जो क्लासिफिकेशन किया हमने पीएच का, वो किसके बेस पे किया है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमने जो पीपीएच को बांटा है, वो बांटा है किसमें, दो, एक तो हमने बोला है प्राइमरी पीपीएच जो कि हमको अगर 24 आवर्स के अंदर, यहाँ से लिख सकते हैं चाइल्ड बर्थ से लेके कहाँ तक, 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी तक जो भी हमें पीपीएच देखने को मिल रहा है वो होगा हमारा प्राइमरी के अंदर। अगर 24 आवर्स के बाद देखने को मिल रहा है, ठीक है, 24 आवर्स के बाद अगर हमको देखने को मिल रहा है, 24 आवर लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, या हम ये इसको लिख सकते हैं क्या, सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं इसको,
क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पीपीएच। तो सेकेंडरी पीपीएच में हम क्या बोल रहे हैं कि भैया सेकेंडरी पीपीएच है ब्लीडिंग आफ्टर 20, इसको पहले हम सेकेंडरी पीपीएच लिख देते हैं, सेकेंडरी पीपीएच लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लीडिंग आफ्टर, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स, हमेशा ये याद रखना कि जो सेकेंडरी पीपीएच होगा वो डिलीवरी के 24 आवर्स के बाद होगा, और होगा कब तक, 6 वीक तक, उसे ही बोलते हैं हम सेकेंडरी पीपीएच। तो प्राइमरी पीपीएच की फिर से बात कर लेते हैं, तो हमारे 24 आवर्स चाइल्ड बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं और 24 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड बर्थ के बाद हमारा कौन सा पीरियड आता है, मतलब चाइल्ड तो डिलीवर हो जाता है, सेकेंड स्टेज में चाइल्ड डिलीवर हो गया तो उसके बाद कौन सा स्टेज आता है, थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज से लेके प्लेसेंटा की डिलीवरी तक, थर्ड स्टेज पीपीएच किसे बोलेंगे, जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद, चाइल्ड बर्थ से लेके प्लेसेंटा डिलीवरी तक, प्लेसेंटा डिलीवरी तक, मतलब ये 24 आवर्स पूरा नहीं चलता, लेकिन चलता तो 24 आवर्स के अंदर ही है। तो सिंपल सा थर्ड स्टेज किसे बोलेंगे, थर्ड स्टेज कौन सी होती है जिसमें प्लेसेंटा डिलीवर होता है लेकिन हुआ तो नहीं है अभी, सेकेंड स्टेज खत्म होते ही चाइल्ड बर्थ वाली स्टेज लग जाती है, चाइल्ड बर्थ खत्म हो जाता है मतलब चाइल्ड बर्थ हो जाता है। तो चाइल्ड बर्थ से लेके प्लेसेंटा की डिलीवरी तक के बीच का जो टाइम होता है कितना होता है, 20 से 30 मिनट होता है सिंपल। तो इस 20 से 30 मिनट के अंदर, मतलब चाइल्ड बर्थ से लेके प्लेसेंटा की डिलीवरी के बीच तक अगर हमको ब्लीडिंग होती है, अगर मदर को ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आएगा थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच में। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें 24 बाकी टाइम भी तो बचा, फिर अब बात करते हैं दूसरा जिसको बोलते हैं ट्रू पीपीएच। क्या बोलते हैं, ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अब यहाँ प्लेसेंटा डिलीवर हो गया है, प्लेसेंटा डिलीवर से लेके 24 आवर्स तक, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं 24 आवर्स के अंदर, प्राइमरी पीपीएच ही पढ़ रहे हैं हम अभी, बात ये ध्यान रखना, क्लियर हो गया। अभी मैं फिर से इसको बना दूंगा, बस आप अभी इसको समझ लीजिए। तो अभी प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी ट्रू पीपीएच में, क्या होगा, प्लेसेंटा की डिलीवरी से लेके 24 आवर्स तक के बीच का जो टाइम है वहां अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कहलाएगा हमारा ट्रू पीपीएच। क्लियर हो गया जी इतना। तो ये हमने पढ़े प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसको मैं फटाफट से एक बार फिर से बना देता हूँ, जो कि आप लोग नोट कर लो अच्छे से। तो मैंने बोला जो पीपीएच होता है ब्लीडिंग वाला, तो मैंने एक साइड क्या कर दिया, अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो अमाउंट के अकॉर्डिंग तो आपको याद हो जाएगा, पहला है माइल्ड, माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा है सीवियर। माइल्ड में क्या है, 500 से 1000 ml तक ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, 1000 से अगर 2000 तक हो रही है तो वो मॉडरेट, अगर 2000 से ज़्यादा हो रही है तो वो सीवियर, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये था प्राइमरी पीपीएच, सॉरी ये था उसके अकॉर्डिंग, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग। दूसरी हमने बात करी थी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमने दो पढ़ा था, एक पढ़ा था प्राइमरी। तो प्राइमरी के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, हमने कहा था 24 आवर्स के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको बोला प्राइमरी, 24 आवर्स के बाद जो डिलीवरी हो रही है, ठीक है, उसको बोला था हमने क्या, सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, ठीक हो गया। तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दो पढ़ लिए थे। फिर ये तो हमको समझ में आ गया था कि 6 वीक तक, 24 आवर्स से लेके 6 वीक तक जो हो रहा है वो सेकेंडरी पीपीएच है। प्राइमरी पीपीएच क्या है, प्राइमरी पीपीएच के अंदर हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था थर्ड स्टेज, जिसमें हमने बोला कि जो चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड बर्थ से लेके, चाइल्ड बर्थ से लेके कहाँ तक, प्लेसेंटा की डिलीवरी तक अगर हमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो वो थर्ड स्टेज के अंदर आएगा। मतलब इसमें कहने का मतलब है प्लेसेंटा डिलीवर हो गया तो थर्ड स्टेज खत्म, तो हम बात कर रहे हैं केवल थर्ड स्टेज में ही ब्लीडिंग होगी हमें, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। लेकिन अगर हमें प्राइमरी पीपीएच को 24, फिर प्लेसेंटा की डिलीवरी से लेके 24 आवर्स तक हो रही है तो उसको हमने क्या बोला, उसको बोला हमने ट्रू पीपीएच। क्या बोला, ट्रू पीपीएच। तो हमें थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच मिल गया प्राइमरी पीपीएच के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी पीपीएच हमने पढ़ लिया, तो हमारे पीपीएच के टाइप हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं कारण क्या होता है भैया, ये पीपीएच के होने का कारण क्या है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो एम्स में भी क्वेश्चन आता है वो क्या है, इसका क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो इसके मेनली दो ही कॉज है, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अटोनिक यूट्रस,
ठीक है, ये कारण रहता है किसका, पीपीएच का। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पीपीएच होता क्यों है। एक्चुअली ये आपका यूट्रस है, यहाँ पे फिगर ऑफ एट में क्या बनी रहती है, मसल्स बनी रहती हैं। अभी मैं फिगर ऑफ एट नहीं बना रहा हूँ उसको, ठीक है। यूट्रस के अंदर जो मसल्स बनी रहती हैं, इसी में क्या आती है, यूट्राइन आर्टरी आती है, ऐसे आ गई आर्टरी। अब क्या हुआ, यहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, हो गया प्लेसेंटा सेपरेट, तो ये सारी की सारी आर्टरीज कैसी हैं, ओपन हो गई। अब ये ओपन हो गई तो ब्लीडिंग करेंगी ना, ये ब्लीडिंग करेंगी। अब ये स्टॉप, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही ये स्टॉप होती हैं तो इस वाली जो बीच वाली मसल है हमारी, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। मतलब हमारे यूट्रस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या हो जाएंगी, जैसे सपोज़ ये आर्टरी खुली है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो सारी आर्टरीज हमारी कैसे हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी भैया, ऐसे ये सारी कॉन्ट्रैक्ट होके क्लोज हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएंगी, क्लोज हो गई। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये क्लोज नहीं होती है तो वो बोलते हैं हम पीपीएच। दोबारा से बता देता हूँ एक बार कि क्या होता है। अटॉनिक यूट्रस में मैंने बोला कि ब्लीडिंग होती है जब भी ये कोई भी, मतलब नॉर्मल कंडीशन है ब्लीडिंग, जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हुआ ब्लीडिंग होनी है, ठीक है। लेकिन ब्लीडिंग होने के साथ साथ ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो क्या हो जाता है, जो यूट्राइन की जो आर्टरी होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लीडिंग हमारी कैसी हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप। ये होती है नॉर्मल कंडीशन, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, ब्लीडिंग हुई, कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ब्लीडिंग हुई वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यूट्राइन आर्टरी भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ये थी हमारी नॉर्मल कंडीशन। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं होता। अब यूट्रस हमारा, अब इस केस में क्या होता है अटोनिक यूट्रस में, कि कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आ रहे तो जो क्या होगा, प्लेसेंटा तो सेपरेट हो गया। अब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने थे, नहीं आ रहे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो यूट्रस क्या होगा, ओपन रहेगा, जो आर्टरी होंगी यूट्राइन आर्टरी ओपन रहेंगी, ओपन रहेगी तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अटोनिक यूट्रस, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, मोर देन 80% केसेस में ये देखने को मिलता है, या ये कह सकते हैं कि 80% केसेस में हमें जब पीपीएच देखते हैं तो 80% जो पीपीएच का कारण है वो अटोनिक यूट्रस है। क्या क्या अटोनिक यूट्रस अब होता क्यों है, ये तो हमने बोला अटोनिक यूट्रस होगा तो पीपीएच कैसे होगा, लेकिन अब अटोनिक यूट्रस क्यों देखने को मिलता है। एक्चुअली एग्जैक्ट तो कहीं पे भी मेंशन नहीं होता, लेकिन उन लोगों में देखा गया है जैसे जो ग्रैंड मल्टीपैरा है, ग्रैंड मल्टीपैरा, ठीक है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन की कमी रहती है थोड़ा सा। फिर उसके अलावा ग्रैंड मल्टीपैरा समझ गए आप, या इसको मल्टीपल प्रेगनेंसी बोल सकते हो, ठीक है, उस केस में हो सकता है। दूसरा प्रोलॉन्ग लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर क्यों भैया, अब लेबर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने थे, मतलब इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ गए कि अब मसल्स भी थक गई हैं, तो प्रोलॉन्ग लेबर में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो क्या जो बाकी के लिए, बाद के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं वो बचते तो है नहीं, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसकी वजह से भी। अब एक जनरल एनेस्थीसिया पड़ा होगा आपने, क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। अगर जनरल एनेस्थीसिया ने रिलैक्स कर दिया तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होना था यूट्रस की आर्टरी में वो होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा डिस्टेंडेड यूट्रस, डिस्टेंडेड यूट्रस एक कारण है कि नहीं है, बताओ मुझे। अरे भैया यूट्रस बहुत डिस्टेंडेड है, मतलब पॉलीहाइड्रोएम्नियास की कंडीशन है, ठीक है। तो अब ये यूट्रस की, अब प्लेसेंटा सेपरेट भी हो गया, सारी चीज़ें सेपरेट भी हो गई, लेकिन जो यूट्रस की जो मसल्स थी वो खींच गई है ना, ठीक है, खींच गई, वो परमानेंट उनमें इलास्टिसिटी हो गई, ये कह सकते हैं आप, इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गई तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, हाँ, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा दे दिया, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा अगर आप दे दोगे ना, जिसको बोलेंगे ओवरडोज, ऑक्सीटोसिन के ओवरडोज की वजह से भी ये अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर देता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन ओवरडोज की वजह से भी अटोनिसिटी आ सकती है, और माल न्यूट्रिशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन भी इसका एक कारण है, फीमेल माल नरिश्त है तो उसको कैसे कॉन्ट्रैक्शन आएंगे प्रॉपरली। और एक और कारण हो सकता है, कौन सा एक और कारण हो सकता है, कौन सा हो सकता है, चलो पहले इनकी बात कर लेते हैं। ग्रैंड मल्टीपैरा हमने पढ़ लिया, ग्रैंड मल्टीपैरा का मतलब है फीमेल बार बार जो प्रेग्नेंट हो रही है, बार बार वो बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसके मसल्स वैसे ही इलास्टिसिटी ज़्यादा हो चुकी है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने के चांसेस कम होते हैं उसके, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम देखने को मिलेंगे। प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर का टाइम ड्यूरेशन ही लंबा हो गया तो क्या होगा, जब बच्चा पैदा हो जाएगा
डिलीवरी हो जाएगी बच्ची की, तो उसके बाद क्या होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाएंगे। जनरल एनेस्थीसिया लगा दिया हमने, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया जब हम कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन और बाकी सारी चीज़ें करते हैं उस टाइम पे जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, तो जनरल एनेस्थीसिया देके क्या होगा, रिलैक्स हो जाएंगी मसल्स और जो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। डिस्टेंडेड यूट्रस पॉलीहाइड्रोएमनियास की कमी कंडीशन में जो यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, अब कॉन्ट्रैक्शन होंगे भी तो वो उतने इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे कि ब्लीडिंग को रोक दें, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा दे दिया और माल न्यूट्रिशन हो गया, क्लियर है। तो ये सारे कंडीशन हो सकते हैं आपके किसके, अटोनिक यूट्रस के, तो सबसे ज़्यादा अटोनिक यूट्रस की वजह से होता है। अब दूसरा, दो ही कारण है इसके मेनली, दूसरा है ट्रॉमेटिक यूट्रस। अब ट्रॉमेटिक यूट्रस से कैसे भैया बताओ, ये इसमें कुछ याद नहीं करना आपको, अरे आप फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे थे, ठीक है, फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे थे या आप करवा रहे थे वैक्यूम डिलीवरी वगैरह, जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा रहे थे आप, उसकी वजह से जेनिटल ट्रैक में क्या हो गया, जेनिटल ट्रैक में क्या हो गया, इंजरी हो गई। जेनिटल ट्रैक में जैसे इंजरी हुई तो क्या हुआ, वहाँ से ब्लीडिंग आएगी, तो इसमें कुछ समझने का है नहीं। और ये भी देखने को मिलता है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, 20% केसेस में जो पीपीएच का कारण रहता है वो ट्रॉमेटिक यूट्रस रहता है, क्लियर हो गया इतना। तो ये दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही हम दो पढ़ते हैं पीपीएच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया इतना। तो ट्रॉमेटिक यूट्रस हमने पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही देख लेना आपके क्या क्या कर सकते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक हिस्ट्री कलेक्शन कर लोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लोगे, यूएसजी वगैरह कर लोगे, तो इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तुमको वजाइनल ब्लीडिंग इसमें देखने को मिली जाएगी, ठीक है। अब मैनेजमेंट हम शुरू से शुरू करेंगे, पहले हमने पढ़ा था थर्ड स्टेज पीपीएच पढ़ा था, पहला पीपीएच हमारा था थर्ड स्टेज पीपीएच, अमाउंट वाले को तो लेते नहीं है, सीधे ड्यूरेशन वाले को लेते हैं। तो थर्ड स्टेज पीपीएच में हो क्या रहा था हमारा बताइए, दो कंडीशन हो सकती है थर्ड स्टेज में, एक तो प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, एक्सपेल आउट होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, क्योंकि थर्ड स्टेज का मतलब यही होता है चाइल्ड बर्थ के बाद से लेके प्लेसेंटा के एक्सपेल आउट तक होने के टाइम को बोलते हैं थर्ड स्टेज। तो प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया है एक जगह पे, दूसरी जगह पे प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है, ठीक है। जहाँ पे प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे क्या करोगे भैया, यूट्राइन मसाज वगैरह करोगे, ठीक है। यूट्रस आपने मसाज कर दिया, यूट्रस मसाज से भी नहीं हुआ तो फिर आपने क्या कर दिया, इसमें आपने क्या करा, जब प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया के साथ कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं या मैनुअल रिमूवल करते हैं, सॉरी मैनुअल रिमूवल करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक तो यूट्राइन मसाज कर दी, प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका था हमारा, तो यूट्राइन मसाज करके और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करके हमने इसको निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, और ऑक्सीटोसिन दे दिया तो क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, मतलब जो भी ब्लीडिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी ना, ब्लीडिंग स्टॉप। तो सिंपल है हमारा थर्ड स्टेज पीपीएच का मैनेजमेंट, कुछ नहीं करना हमको, सिंपल सा हमको करना है ऐसा, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है तो हमको वहाँ पे यूट्राइन मसाज और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं, वो हमको पता है पहले से ही, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से क्या होगा, उसके साथ साथ हमने ऑक्सीटोसिन भी दे दिया, और यहाँ पे हमने जब प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है तो हम मैनुअली रिमूव करते हैं ना प्लेसेंटा को, ठीक है। ये पढ़ा था हमने जब हमने लेबर पढ़ा था, तो जनरल एनेस्थीसिया लगाया हमने, मैनुअल रिमूवल कर दिया, हैंड को इंसर्ट करते हैं ना वजाइना के अंदर, फिर स्लाइसिंग मूवमेंट करते हैं, हमने बताया था प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो फिर निकाल लिया उसको, तो उसके बाद ही जैसे हमने प्लेसेंटा निकाला ऑक्सीटोसिन दे दिया, ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, ब्लीडिंग जो भी होती है रुक जाती है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो हमारा ये काम हो रहा था हमारा थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट, ठीक है। तो ब्लीडिंग हमारी स्टॉप हो गई, मतलब थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर इसमें ऑक्सीटोसिन कितना देते हैं, तो इसमें जो ऑक्सीटोसिन का लेवल होता है वो देते हैं हम 20 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, 500 एनएस में देते हैं इसको, और जो ड्रॉप रेट रहता है वो 60 ड्रॉप पर मिनट रहता है, क्लियर हो गया। अब 20 इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या है कि एक मिनट में कितना इंटरनेशनल यूनिट देंगे हम, तो 20 इंटरनेशनल यूनिट का मतलब पहले भी बताया था मैंने, एक यूनिट में 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, तो मिली में तोड़ना पड़ता है हमको इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट होते हैं 20 में, ठीक है, 500 में दे रहे हैं, तो 500 में दे रहे हैं का मतलब क्या है,
500 एनएस में दे रहे हैं तो कितना आएगा, कितने मिलियन इंटरनेशनल यूनिट आएगा? तो आपका आ गया 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अब आपको पता है कि 60 ड्रॉप में, जो 60 ड्रॉप है उसके अंदर कितने ml होते हैं, ये इंटरनेशनल यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ml की बात यहाँ पे करेंगे तो आपको पता है 4 ml होते हैं, क्योंकि 4 ml क्यों होते हैं 60 ड्रॉप में, क्योंकि भैया 15 ड्रॉप का 1 ml होता है, तो इसीलिए ये हो गया। तो आपको पता है कि 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट दे दिया आपने, तो ये कितने में हो गया, ये तो 1 ml के अंदर हो गया, ठीक है। तो अब 4 ml के अंदर कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 ml के अंदर, ठीक है। तो कितना इंटरनेशनल यूनिट आ जाएगा एक मिनट का, 4 ml तो एक मिनट का बता रहे हैं ना, तो एक मिनट के अंदर कितना आ जाएगा, 160 मिली इंटरनेशनल यूनिट, ये दोगे आप एक मिनट के अंदर पर मिनट, इतने इंटरनेशनल यूनिट आपने क्या दे दिया, ऑक्सीटोसिन दे दिया, ठीक है। तो आप देख लेना इसको अच्छे से, पिछले वाले में बता रखा है अच्छे से, एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। तो हमने ऑक्सीटोसिन दे दिया, ऑक्सीटोसिन ऐसे दिया। अब हम बात करते हैं ट्रू पीपीएच, सॉरी अब हमने पढ़ लिया था थर्ड स्टेज, अब हम दूसरा वाला जो पढ़ा था हमने ट्रू पीपीएच पढ़ा था। भैया ट्रू पीपीएच को हमने क्या बोला था कि प्लेसेंटा की डिलीवरी से लेकर 24 आवर्स तक के बीच में अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हमने ट्रू पीपीएच बोला था। अब ट्रू पीपीएच हो रहा है तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो उसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे क्योंकि सीवियर कंडीशन है, ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन तो जरूरी है। इसके साथ साथ हम उसको आईवी भी दे देंगे, ब्लीडिंग हो रहा है तो फ्लूड की कमी हो सकती है, आईवी के साथ साथ हम उसको हो सकता है कि ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े, तो इतनी सारी चीज़ें, तो आपको ये चार चीज़ें तो याद ही रखनी है। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप करते हो वही जो हमने ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, लेकिन यहाँ पे हम ट्रू पीपीएच में ऑक्सीटोसिन के साथ साथ हम देते हैं एर्गोमेथ्रिन और मिथार्जिन दे दिया हमने, एर्गोमेथ्रिन और मिथार्जिन दे दिया, ठीक है। अब एर्गोमेथ्रिन और मिथार्जिन देने के बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तो क्या करोगे, वैसे हो जानी चाहिए लेकिन बाई चांस अगर नहीं हुई, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम देते हैं मीजोप्रोस्टॉल, क्या देते हैं, मीजोप्रोस्टॉल, अच्छे से याद कर लेना इसको कि किसके बाद क्या चीज़ें आ रही है। मीजोप्रोस्टॉल कितना देते हैं, चलो इसका भी बता देता हूँ मैं आपको, 100 माइक्रोग्राम देते हैं हम मीजोप्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्टॉल दे दिया हमने, उसके बाद भी स्टॉप नहीं हो रही है ब्लीडिंग नॉट स्टॉप, अब क्या करोगे, बहुत खतरनाक कंडीशन आ गई है भैया, अब क्या करोगे बताओ। अब आपको, आपके पास एक चीज़ रहती है, इसको मिटा दूं, अब आपने मीजोप्रोस्टॉल भी दे दिया, ठीक है, मीजोप्रोस्टॉल से आगे यहाँ पे देख लेना, ठीक है, मीजोप्रोस्टॉल दे दिया आपने, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक वर्ड आता है उसका नाम है यूट्राइन टेम्पोनेड, क्या आता है उसके बाद आप करते हो, यूटेराइन टेम्पोनेड, क्या करते हो, यूट्राइन टेम्पोनेड, ठीक है। यूट्राइन टेम्पोनेड का मतलब क्या है, मैनुअल कॉन्ट्रैक्शन देना, ठीक है, मैनुअल कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये समझ सकते हैं कि आप यूट्राइन टेम्पोनेड में हम मैनुअल कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, और जो भी हमारी जेनाइटल ट्रैक है, क्या है, जेनाइटल ट्रैक को टाइटली पैक कर देते हैं, क्योंकि जेनाइटल ट्रैक से ही आ रहा है ना, ब्लीड जो हो रही है जेनाइटल ट्रैक से आ रही है, तो उसको क्या कर देते हैं, टाइट पैक कर देते हैं, किससे पैक करेंगे, गौज से, गौज पीस से हमने क्या कर दिया, टाइटली पैक कर दिया जेनाइटल ट्रैक को, जहाँ से ब्लीडिंग वगैरह आ रही थी, ठीक है। आप लेकिन आप फिर भी देख रहे हो कि फिर भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, ठीक है, जेनेटल ट्रैक को बंद करने के बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, तो आपके पास फिर बचता है यूट्राइन आर्टरी, जहाँ से ब्लीड आ रहा है, यूट्राइन आर्टरी को ही आप क्या कर दो, लाइगेट कर दो, क्या कर दो, यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट कर दो। यूट्राइन आर्टरी को जैसे ही आपने लाइगेट किया, उसके बाद अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर फिर भी नहीं हुआ तो क्या करोगे, यूट्राइन आर्टरी भी लाइगेट कर दिया आपने, तो जो उसका लास्ट और हम फाइनल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं या फाइनल मैनेजमेंट बोल सकते हैं, वो होता है हिस्टेक्टमी, क्या बोल सकते हैं, हिस्टेक्टमी कर देते हैं फिर, ठीक है, यूट्रस का रिमूवल कर देते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा लॉस हो गई तो पेशेंट किस में जा सकता है, शॉक में जा सकता है, ठीक, क्लियर हो गया इतना।
तो ये था हमारा किसका मैनेजमेंट, ये था हमारे ट्रू पीपीएच का मैनेजमेंट। क्लियर हो गया। अब हमने पढ़ा था दूसरा वाला सेकेंडरी पीपीएच की बात कर लेता है। सेकेंडरी पीपीएच को मैनेज कैसे करेंगे? सेकेंडरी पीपीएच जब भी देखने को मिलता है, हमने कब बोला था इसको 24 आवर्स के बाद और 6 वीक तक हो सकता है ये देखने को मिले। तो इसका जो मोस्टली जो कारण रहता है सेकेंडरी पीपीएच का, वो ये रहता है कि कभी कभी जब प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है तो उसके कुछ पार्ट्स रह जाते हैं हमारे यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये हम ये कह सकते हैं रिटेन्ड पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा की वजह से हो सकता है। इतना समझ में आ गया। तो रिटेन्ड पार्ट जब रहते हैं तो ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वहाँ पे यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन करेंगे और इरिटेशन करेंगे। तो इन्फेक्शन और इरिटेशन इनने किया तो वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी हमें। क्या देखने को मिलेगी? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, उसे ही हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमारे हम क्या करते हैं बताओ? तो इसको स्टॉप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिटेन प्लेसेंटा को निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ जेनाइटल ट्रैक, मतलब जेनाइटल ट्रैक को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे जेनाइटल ट्रैक। अब हमने एक्सप्लोरेशन कर दिया तो फिर क्या करेंगे हम? फिर रिमूव कर लेंगे, सिंपल सी बात है। वजाइनल ओपनिंग जो भी जेनाइटल ट्रैक की ओपनिंग है वो ओपन कर ली हमने, एक्सप्लोर कर ली, तो रिमूव आउट कर लो जो भी चीज़ बची हुई है अंदर, रिमूव द रिमेनिंग कंटेंट। क्लियर हो गया। रिमूव हमने कर लिया रिमेनिंग कंटेंट सारा, फिर क्या होगा? जब हमने रिमूव कर लिया सारा कंटेंट तो फिर हमको देना पड़ता है एर्गोमेथ्रिन और मेथर्जीन, ये दे दो, ठीक है, तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ करते हैं, एर्गोमेथ्रिन वो और मेथर्जीन देने के बाद, क्योंकि ब्लीडिंग लॉस तो हो गया है, अब ब्रेन में ब्लीडिंग कम ना हो, इसके लिए हम इसमें फुट एलिवेटेड पोजिशन दे देते हैं पेशेंट को। कौन सी पोजिशन? 500 रुपये का क्वेश्चन है, फुट एलिवेटेड पोजिशन आफ्टर किसके? एर्गोमेथ्रिन और मेथर्जीन देने के बाद, क्योंकि ब्लीडिंग तो हो गई है, अब जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन की साइड कम नहीं होना चाहिए, मतलब वीनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए, अगर ये पूछा जाए तो वीनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए, वीनस रिटर्न कैसा हो, इंक्रीज हो, उसके लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है, ब्रेन की तरफ हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड जाए उसके लिए बनाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्टपार्टम हेमरेज। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, और आज की क्लास को यहीं पे करते हैं कंप्लीट। थैंक यू।